दोस्तों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पे अनु बाइक लेकर रेडी हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन का शॉपिंग करने, तो अभी हम चलते हैं मार्केट में, आप लोग को दिखाते हैं काका शॉपिंग हो रहा है। क्यों जी अनु, बता दो काका शॉपिंग होगा, रक्षाबंधन लिया आएगा। हाँ तो दोस्तों अभी हम चलते हैं शॉपिंग के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर में और आप लोग को दिखाएंगे। डाली ताक रही है दोस्तों अकेले और इधर हम जा रहे हैं मार्केट। तो अभी हम लोग चले आए हैं यहाँ सुनार की दुकान पर रक्षाबंधन खरीदने। हम खरीद रहे हैं भाई के लिए एक चांदी का रक्षाबंधन, जो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। वही मैं पसंद की थी, पर वो बोल रहा था कि नहीं ये ब्रेसलेट है रक्षाबंधन, तो ये नहीं है। तो ये जो अभी दिख रहा है ये रक्षाबंधन था, तो हमने वही पसंद किया। तो दोस्तों रक्षाबंधन खरीदा गया है, अभी निकल रहे हैं, चल रहे हैं प्लाजा में स्मार्ट पॉइंट में और वहाँ से लेंगे कुछ सामान। खाने वाला कुछ ले लो, अनूप को कैमरा करना चाहिए तो कैमरा दे दिया, हमको अपने खुद ही दौड़ रहा है। कौन सा है? रेडबुल है देखा, उसी समय तुम्हारा ज्यादा ध्यान है। इधर बस ग्रोसरी का सामान है। अरे अम्मी को बुलाओ ना, इसमें से कोई अम्मी को बुलाओ ना, इसमें से कई को सामान लेना था पकड़ना। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है, इसी में जो सामान देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग बोले भी थे कि आप ग्रोसरी का शॉपिंग करने जाएंगे, दिखाइएगा। मैं अभी ग्रोसरी का शॉपिंग नहीं करना, पर कुछ कुछ सोच रहा है ले लें यहाँ से। मम्मी को रेड बुल पुलाओ। ये चाहिए क्या? एक पैकेट लेंगे। क्या हुआ जी, कितना सामान लोगी? अभी देख रही हो? तो जितना शॉपिंग करना था माँ बेटी कर लिए। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।
तो अभी इधर हम लोग आ गए हैं रक्षाबंधन खरीदने, तो अभी हम इस तरह से पसंद करेंगे मम्मी के लिए और अपने लिए भी। पसंद करो मम्मी। तो यार हमारी शॉपिंग हो गई है डन, जो कि हम घर जाके दिखाएंगे। और यार अनूप लाया है, क्या लाए हो जी? समोसा। एकदम गर्म है ना? अरे हाथ जल जाएगा। हाथ जलेगा, मुंह नहीं जलेगा। तुम्हारा फेस एक भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हमारी शॉपिंग हो गई है डन और हम निकल गए घर, और अनूप लेके जा रहा है। हाँ दो। तो दोस्तों फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है, मैं घर आ गई हूँ। तो अभी आप लोग को दिखा देती हूँ, ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए हैं हम, फिर भी जितना किए उतना दिखा दे रहे हैं। अभी शॉपिंग ग्रोसरी का बाद में करेंगे, तब उसका शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रही हूँ अपने भाई के लिए रक्षाबंधन खरीदी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अभी दिखाते हैं अनूप को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो अनूप को जान रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे भाई के लिए चांदी का रक्षाबंधन। एक और वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे ब्रेसलेट था वो, तो हम वही ले रहे थे, पर हुआ है ये कि ब्रेसलेट नहीं रक्षाबंधन पहनाया जाता है, तो हमने रक्षाबंधन ले लिया है। ब्रेसलेट हम बाद में खरीदेंगे जब हरीश भी चला आएगा। हरीश को छुट्टी नहीं मिली है तो वो नहीं आया, इस साल रक्षाबंधन में नहीं आएगा। तो दोनों भाई को एक ही साथ खरीदेंगे। ये फिलहाल अनूप के लिए, कैसा लग रहा आप लोग जरूर बताइएगा। पर हाथ में डाल के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देख लीजिए आप लोग। तुमको पसंद है ना अनूप? हाँ यार पसंद नहीं रहेगा। अब बताओ तुम ही हमको, हाँ 1 लाख के ऊपर की गाड़ी ले लिए, चांदी का रक्षाबंधन ले लिए, हाँ स्मार्ट वॉच ले लिए, हाँ और कुछ चाहिए? हाँ हमको जरा का तुम्हारा किडनी चाहिए, तुमको मंगवा देंगे। तो अभी इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। वैसे तो बहुत कोई वो नहीं है, हम बोले दो लेने के लिए, तो अनूप बोला है कि हम पहनेंगे दो दो, एक ही में तो नहीं पहनेंगे, तो चाहे डाली बांध देगी चाहे हम बांध देंगे, बात नहीं है। बात बराबर है, बात बराबर है। हमने तो कहा है बस वही ले लो जो जो मार्केट में मिलता है, लेकिन क्या जरूरत थी चांदी का? हाँ लेकिन हम ले लिए फिर भी। और यहाँ पे है इस तरह से बंधन, जैसे कि ये मम्मी अपने भाइयों के लिए ली है, और ये है बना जाएगा किसी किसी को। इधर हम लाए थे छानने के लिए, हम लोग प्लाजा में गए थे तो सोचे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो ज़्यादा जरूरत थी घर से खत्म हो गया, चाय के साथ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे इसे। हाँ डॉली का एक काम भी पड़ गया, अब छानेगी और हम लोग खाएंगे, क्यों मम्मी सही बात है। अब बिस्किट भी घर पे खत्म हो गया था, तो ये चॉकलेट वाला बिस्किट मेरा फेवरेट है, तो मैंने तो अपने लिए यही लिया है। तुम्हारा फेवरेट है? हाँ, कोई गेस्ट भी आ जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बगल से लाना पड़ रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, कोई आ जाता है तो क्योंकि हम बड़ा वाला पैकेट के लिए हैं। और पार्ले जी बिस्किट जो कि मेरे घर पे भर भर के पसंद किया जाता है, पसंद तो की हमारी पुरानी पहचान है, बचपन से इस पार्ले जी को हम खा रहे हैं, जब से होश हुआ तब से। और वाकई में इसका टेस्ट तो मतलब कोई भी बिस्किट नहीं दे सकता, ये तो सबकी जान बचती है पार्ले जी में। और मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है पार्ले जी बिस्किट, बहुत ही ज्यादा पसंद। अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद मम्मी करती है पार्ले जी बिस्किट को, बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो पार्ले जी बिस्किट से चलो घर के लिए सुबह में बहुत ज्यादा बिस्किट जरूरत पड़ती है, तो ये दूध के साथ भी अच्छा लगता है, चाय के साथ भी अच्छा लगता है। हाँ डॉली पानी के साथ खाती है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं लाया, बस ये दो पैकेट बिस्किट और ये चिप्स छानने वाला और रक्षाबंधन चांदी का और धागे वाली, और बस इतना ही सामान है और अब नहीं कुछ है। ग्रोसरी का सामान बाद में आएगा, रक्षाबंधन बाद चलेंगे, अभी नहीं, अभी कुछ और ही शॉपिंग हो गया। और अभी हम ये लाए खाने वाला, जो कि अभी हम चलेंगे फटाफट से खाएंगे। इसमें क्या है? तुम मेरे कहा भूल गए का? अच्छा हम लाए समोसे, एकदम गर्मा गर्म समोसे दिया है। तो इधर गर्मा गर्म समोसे वहीं पे छान रहा था, तो मैंने बोला कि फटाक से ले लेते हैं, और अभी अनूप खा के बताएगा चट्टी के साथ समोसे कैसे लग रहा है। क्यों जी अनूप? हाँ जी। कैसे लग रहा है? आज तो तुम्हारा दोपहर में ही नाश्ता हो गया, दोपहर नहीं हो रहा, 3 बज रहा है। ते लोग समोसे एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, तो हम भी चाहते हैं समोसा ठंडा हो जाएगा खा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जो भी होगा सब दिखाएंगे आप लोग के। Later that same evening.
तो इधर अभी रात हो गया, आ गए खाना बनाने। तो इधर आलू बॉयल करके इसको मैश कर लिए हैं, इधर प्याज टमाटर और जिस क्या क्या पीसी डाली, लहसुन अदरक गरम मसाला लाल मिर्ची सब पीस के रेडी कर दिया। और इधर ले लिया हम तेजपत्ता और जीरा, और इधर कढ़ाई हो गया गरम, इसमें हम डाल देंगे अभी तेजपत्ता और जीरा। फटाफट से हम प्याज फ्राई करेंगे और अभी फटाफट टमाटर भी भून जाएगा, पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। और सब्जी फटाफट से बन जाएगा, आटा लगा के रख दिए हैं, अभी डोली फटाफट रोटियाँ बना लीजिए। अभी आप लोग के लिए मिठाई भी बनाना है, मतलब रक्षाबंधन के लिए, मेरे गुलाब जामुन के लिए बहुत दिन से कमेंट आया था, तो हम सोचे रक्षाबंधन के गुलाब जामुन बना लें। और मैं मार्केट से भी लड्डू जा कर लेके आई हूँ, और सोचे हैं लड्डू के साथ साथ कोई मिठाई भी बना लें। हमारा खाना बन के रेडी हो जाए, फिर हम फटाफट से मिठाइयाँ बनाने चलेंगे। और इधर आटा भी कम्प्लीट है, तो अभी इधर डॉली फटाफट से रोटी बना रही है, और उधर रख दिए हैं दूध गर्म होने के लिए, और दूध बचा है उसका खोआ जलाएंगे मिठाई बनाने के लिए। और खाने के लिए दूध गर्म हो रहा है, कब तक तो रोटी बन जाएगा डाली, थोड़ा सा आटा बचा है, अभी फटाफट रोटी बन जाएगा। और इधर चूल्हे पर मम्मी जला रही है दूध और खोआ, इसका बनाएंगे मिठाई। तो अभी काफ़ी रात भी हो गया है जलाते जलाते, कितना टाइम लगेगा अम्मी, आधा घंटा बन जाएगा। तो इधर चीनी एक कटोरी और पानी रख दिया, इसमें दो तीन इलायची कूट के डाल देंगे। और अभी इसका चाशनी बनाएंगे हम, ज़्यादा बिना तार वाली चाशनी होती है, बस चिपचिपा चाहिए। तो इधर ये बन रहा है, और इधर ये है लमसम, आधा किलो से थोड़ा ही कम होगा ना अम्मी। खोआ बन के रेडी हो गया है, कितना गीला चाहिए हम ताज़ा खोआ बना है, अभी चलते हैं मिठाई बनाते हैं। तो इधर खोआ ले लिए हैं, और इधर है ब्रेड जो कि गए थे मिठाई लेने मार्केट में लड्डू, तो वहीं से ही लाए हैं खरीद। तो इधर अभी हम ले लेते हैं इतना ब्रेड, और इसको तोड़ देंगे। इसमें मैदा भी डाल के बनाया जाता है, पर मैं ब्रेड वाला बनाऊंगी, इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। दोनों को एक साथ में अच्छे से सानेंगे, वाली ब्रेड का ही बनता है, तो अगर आप लोग ब्रेड का बनाना चाहिए तो ब्रेड में दूध डालकर सान के भी बन सकता है, पर मैं खोआ में सान के बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, स्वाद दोगुना हो जाएगा एकदम। खोआ गर्म है, तो इधर हाथ में ऑयल लगा लिए हैं, उधर ब्रेड और खोआ को अच्छे से एकदम सान लिए हैं, एकदम मत मत के, हाँ एकदम मत मत के, छोटा छोटा जितना बड़ाई हुई जैसे शेप बनाना है वैसे शेप में हम इसको बना लेंगे। एकदम क्लीन शेप देना है, क्लीन। तो इधर सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं, और अपने साइज का हम बनाए हैं, कोई छोटा बड़ा हो गया कोई बात नहीं है, हलवाई तो है नहीं। सारा बन गया है, इधर तेल गर्म हो गया है, इधर चाशनी बन के रेडी हो गई है, बस चिपचिपा चाहिए, इधर तेल गर्म हो गया है, बॉल्स को डालेंगे इसमें। और आँच एकदम स्लो है, मतलब मीडियम पे इसको एकदम हीट करके फिर इसको हम स्लो कर दिए हैं, क्योंकि ये है खोया और ब्रेड, इसको पकना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज रहेगा तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए। अब इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो और गुलाब जामुन एकदम स्लो आंच पे पक रहे हैं, और धीरे धीरे रेड हो रहा है, वरना तेज आंच पे एक बैग रेड हो जाएगा। तो इधर गुलाब जामुन कितने अच्छे से हो गया, इसको लमसम 15 मिनट लगा है एकदम स्लो आंच पे पकाने में, और अभी अच्छे से पके होंगे, अंदर कच्चा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम ललमोहन कलर आया है, बहुत बढ़िया कलर आया, हमको लगा ही नहीं था इतना बढ़िया कलर आएगा, खुशबू तो एकदम मस्त लग रहा है, दुकान का है। हाँ इधर दूसरा बैच भी बना लेते हैं, तो अभी इसको भी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो इधर सारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं, इधर है अभी गर्मा गर्म चाशनी ऊपर से डाल देते हैं,
इलायची खुशबू कितना जबरदस्त आ रही है, उसी का खुशबू एकदम मस्त। अभी चम्मच की सहायता से सबको निचोड़ कर देते हैं और अब जब ये चाशनी पी लेगा तब गुलाब जामुन और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इधर खाना रोटी और सब्जी लग चुका है, अनु भैया बैठ गए हैं खाने और दादी जी को बुला रहे हैं। लग रहा है तुम्हारा दरिया बन गया है। कल रक्षाबंधन है, जाएंगे मामा घर। अच्छा, बहुत मामा घर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। सभी लोग मामा घर जाने के लिए एक्साइटेड। अगर मामा तुमको खदेड़ दे तो कोई बात नहीं, चले आएंगे घर। अच्छा, उनका मन, उनका घर मन का खदेड़ दे, नहीं तो इधर डाली भी आ गई और इधर बढ़िया सब्जी मैंने बनाया बनाया बहुत मस्त। नमस्कार, खा रहे हैं डोली, सब्जी कैसा हुआ? और अनूप आज दूध ले लेना, अनूप दूध ले लेना, गर्म हो गया। तो दोस्तों ये लोग खाना खा रहे हैं, चलते खाना खाते मिलते हैं नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।